चैनल, मैं हूँ आपकी सबा जॉर्ज और आज आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी आज मैं आपके साथ कौन सी वीडियो ये लोग मुझे इसी तरह तंग करते रहेंगे, मुझे वीडियो नहीं बनाने देंगे कि मैं आपको जो है अपने स्किन केयर के बारे में बता सकूं, तो इनका तो इसी तरह ही रहेगा। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को वेलकम करूंगी जो मेरे चैनल पर नए आए हैं। जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जो मेरे चैनल को ऑलरेडी जिन्होंने सब्सक्राइब किया है बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, मुझे प्यार करते रहिएगा, आप मुझे सपोर्ट करते रहेगा, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है दूसरे लोगों तक पहुँचे और आपका सपोर्ट मिलेगा तभी जो है मैं ग्रो कर पाऊँ। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले मेरे फेस पे आप देख सकते हैं मैंने मेकअप किया है। सबसे पहले हम मेकअप को करेंगे रिमूव, ठीक है। उसके बाद जो है हम यूज़ करेंगे शीट मास्क। ये शीट मास्क है, ये है विटामिन सी सेंचुरी ब्यूटी फेशियल वाइटनिंग मास्क है जो कि आज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगी। पहले तो हम अपने बालों को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, बांध लेंगे ताकि जो हमारे बाल गंदे नहीं हो और बालों पे जो है सीरम नहीं लग जाए। तो सबसे पहले मैं बाल बांधती हूँ अपने, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों का फेस जो है वो डल हो गया, कलर टोन जो है वो ख़राब हुआ है, गर्मियाँ आई हैं उसकी वजह से जो है टैन हो जाता है कलर, तो उसको जो है बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। आप हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी इसको जो है अपने फेस पे अप्लाई किया करें। और जिनकी स्किन जो है डिहाइड्रेट हुई है तो ये इस मास्क को यूज़ करने से एक तो स्किन वाइट हो जाएगी, दूसरा जो है उनका कलर भी जो है एक टोन में आ जाएगा और जो है स्किन भी हाइड्रेट होगी इससे। तो लाजमी जो है अपने रूटीन में, स्किन रूटीन में ये इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें। अब मैं सबसे पहले मेकअप को रिमूव करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ आप जो है मेकअप रिमूवर से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी ब्रांड का, या आप सिंपल सा तरीका जो घर में से चीज़ें आप यूज़ करके मेकअप रिमूव कर सकते हैं, आप कोई भी कोल्ड क्रीम लें जिस तरह से मैंने ये क्रीम ली है, और ये नई क्रीम नहीं होगी तो आप जो है ऑयल कोई सा भी जो है कोकोनट ऑयल ले लें, आलमंड ऑयल ले लें, तो अपने फेस पर लगाएं। उसके बाद जो है लगाने के बाद आप टिश्यू से जो है इसको साफ़ कर लें या किसी भी कपड़े से जो है आप अच्छी तरह से मेकअप रिमूव कर लें। ये जी है मेरे भाई की बेटी और माय प्रिंसेस, तो ये मेरे साथ आके बैठ गई थी, अचानक से ये आ गई तो फिर मुझे है वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि ये शरारतें कर रही थी, कैमरे को छेड़ रही थी। फिर मैंने इसको कहा चलो तुम अपने काम करो और मैं अपना काम ले जी। मेकअप को कर लिया हमने अच्छे से रिमूव, तो सारा जितना मेकअप था स्किन से रिमूव हो चुका है। व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड ऑल थ्रू द टाउन। सो जी गाइस, ये जेनिका की फेवरेट पोइम है, तो अपना फेस साफ करने के साथ साथ मैं जेनिका का भी फेस साफ कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत इन्जॉय कर रही है मेरे साथ। तो अब ये देखें, ये टिश्यू मैं इसको पकड़ाने लगी हूँ, मैं इसको बोलूँगी कि जानिका अपना फेस भी साफ करो। अच्छा जी गाइस, बहुत मस्ती हो गई, बहुत इन्जॉय किया जानिका के साथ। अब हम जी करते हैं स्टार्ट। ये है हमारा शीट मास्क जो कि मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। इसके बैग पे जो है सारा इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, इसका तरीकाकार लिखा हुआ है। अच्छा, बड़े आराम से इसमें से हम शीट मास्क को निकालेंगे इसको प्रेस करते हुए, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा सीरम है वो सारा वो जो है शीट में चला जाएगा। और बाकी हम इसको खोलेंगे, बहुत मुश्किल से मैंने इसको खोला था, मुझे डर था कि कहीं फट ना जाए, तो इसको खोलते हैं आहिस्ता से। इसको आपने जो है फेस पे 25 मिनट तक अप्लाई करना है, फेस को अच्छे से क्लिंस करके उसके बाद आपने फेस पे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। ये खुल जाए, बस जल्दी से खुल जाए, खुल जाए। बहुत मुश्किल से मैंने इसको खोला था, तो आप भी बड़े ध्यान से इसको खोलिएगा। इसको खोलने के बाद ये पूरा फेस इसमें जो है बना होगा, तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो ये देखें, ये खुल गया है, ये इसकी आंखें बनी हैं, ये नोज़ है, ये लिप्स है मैं इसमें, तो ये मेरे फेस से बहुत बड़ा था। इसको जो मैंने थोड़ा सा फोल्ड करके फिर इसको फेस पे अप्लाई करूँगी। ये देखें, बड़े आसानी से ये लग जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल
जो है वो हो रही थी इसको फेस पे लगाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ जानिका बैठी थी, तो फिर वो मैं उसको डरा रही थी, तो वो भी मुझे डराने की कोशिश कर रही है, आप देख सकते हैं ये भी मुझे डरा रही है। तो बस इसी तरह से ये मैंने फेस अप्लाई कर लिया फेस पर शीट मास्क को, और जो है बाकी का सीरम जो है हाथों पे अप्लाई कर लूँगी। अब जी हम इसको 20 मिनट्स के लिए रहने देंगे और वेट करेंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब बस 5 मिनट मेरे रह गए हैं, अब थोड़ा सा वेट करूँगी। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता फिंगर से इसको जो प्रेस करूँगी ताकि स्किन के अंदर जो अब्जॉर्ब हो जाए सीरम है, और साथ ही हल्का हल्का सा मसाज भी करती रहूँगी ताकि ये सीरम बहुत अच्छी तरह से स्किन को जो है हाइड्रेट कर दे। आप देख सकते हैं अब जी बस इसको रिमूव करने लगी हूँ। टाइम कंप्लीट हो चुका है हमारा, 20 मिनट्स पूरे हो गए हैं। अब मैं इस शीट को उतारने लगी हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है मेरा, और कोई मेकअप नहीं लगा हुआ। बाकी का जो ये सीरम है मैं इसको शीट को वेस्ट नहीं करूँगी, हाथों पे, गर्दन पे, पाँव पे इसको जो है अप्लाई कर रही हूँ। तो अभी देखें, अब इसको हम फिंगर से बिल्कुल लाइट लाइट फिंगर से आपने इसको अब्सॉर्ब करना है मसाज करते हुए, जिस तरह मैं मसाज कर रही इसी तरह आपने फिंगर्स से मसाज करना है, और बिल्कुल आपने रगड़ना नहीं है फेस को ज़ोर ज़ोर से, बिल्कुल सॉफ्ट से हाथों से आपने इसको मसाज करना है फेस पे। जितना ज़्यादा आप स्किन को रगड़ेंगे उतनी ज़्यादा स्किन जो आपकी ख़राब होती है। इस तरह अपवर्ड में आपने जो है मसाज करते रहना ताकि स्किन आपकी जो है टाइट रहे, और जो है स्किन जो ज़्यादा ढलकती है मतलब स्किन लटकना शुरू हो जाती है वो आपकी टाइट हो जाएगी। ये हम जो है फिंगर्स की हेल्प से जो है सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे अराउंड द आईज। और ये देखिए, आप देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ आपने मसाज करना ताकि स्किन आपकी जो है ये ऊपर की तरफ रहे, नीचे की तरफ आपके स्किन लटके नहीं। आप इसी तरह से जो है मसाज करते रहे, देखते साथ साथ वीडियो को देखे साथ साथ मसाज करते रहें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और टैप टैप करते हुए इसको हम स्किन के अंदर अब्जॉर्ब कर देंगे। आपने फेस को वॉश नहीं करना, आपने सारी रात इसी तरह लगे रहने देना, और सुबह उठ के आपने फेस को वॉश करना, फिर आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी अच्छी ग्लो करेगी और स्मूथ हो जाएगी। और आज की मेरी वीडियो इतनी थी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसको जो है दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई रेमेडी के साथ। आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है और कितनी स्मूथ हो गई है, देखिए इतनी सॉफ्ट हो गई है कि मैं खुद इतनी खुश हो गई थी। तो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल को वॉच करते हैं वो भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन भी प्रेस किया करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।